हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ न्यू कीवर्ड्स लेकर के आया हूँ। न्यू कीवर्ड्स में आप सभी को एजुकेशन वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स लेकर के आया हुआ हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ कि आप सभी जो एजुकेशन रिलेटेड जो वेबसाइटें होती हैं, वो कीवर्ड्स कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं कीवर्ड्स से डायरेक्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद में आपको लास्ट में एसईओ थोड़ा सा बता दूंगा। अगर आप लोग काम करना चाहें तो ये सब कीवर्ड पे काम कीजिएगा, या नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं काम करना है ये सब कीवर्ड पे। अगर अच्छा लगे तो आपको वर्क करना है, वरना नहीं करना है ये सब कीवर्ड पे वर्क। तो दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी को आज का कीवर्ड्स। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा हर वीडियो की तरह कि अगर आप लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी इसी तरह के वीडियो डालूं तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का कीवर्ड्स देखना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला कीवर्ड्स हमारा है टेली एजुकेशन, यानी कि आप सभी को पता ही होगा कि मार्केट में टेली का डिमांड कितना चल रहा है, क्योंकि हर काम टेली से ही होता है। मेरा मतलब कहने का यह है कि जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं, 90% वर्क टेली से ही होते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग जितना भी वर्क देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, जितना भी बिल वगैरह बनता है, तो आप लोग यहाँ पे जो है टेली से ही होता है। तो टेली एजुकेशन क्या है, आप लोग डिटेल में मेंशन कीजिए, ये सब हेल्पिंग कीवर्ड से ये सब का यूज़ कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो जो वेबसाइटें रैंक है, सिर्फ यहाँ पे जीरो बैकलिंक में भी रैंक है। तो आप लोग यहाँ पे टेली एजुकेशन देख सकते हैं कितना अच्छा पोटेंशियल देने वाली है आप लोगों को। तो आप लोग इस कीवर्ड पे वर्क कर सकते हैं। CPC बहुत ही हाई है, इसलिए मैं इस कीवर्ड को पिक किया हूँ। और यहाँ पर क्लिक भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा कीवर्ड्स है। और आपको यहाँ पर जो है कि टेली एजुकेशन से रिलेटेड सर्च वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, क्लिक बहुत ही अच्छा मिल ही रहा है। आप लोग यहाँ पे $1 का है, $10,000, लेकिन इतना नहीं चाहिए, सिर्फ $1,000 मिल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा है। और नेक्स्ट कीवर्ड हमारा जो है यहाँ पे PNG फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 13 के है, 1.3 के यहाँ पे क्लिक आ रही है। और CPC देखिए, CPC पहले देखिए, यहाँ पे CPC जो है बहुत ही हाई है। यहाँ पे ग्लोबल सर्च वॉल्यूम 14 के है, इजी है रैंक करना यहाँ पे, देख सकते हैं आपको। आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे PNG को रैंक करने में यहाँ पे बीट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को बीट कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 1 DR में रैंक है, 4 DR में, 0 में रैंक है। तो आप लोग यहाँ पे रैंक कर सकते हो बहुत ही आसानी से, इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। ऐसा ऐसा कीवर्ड्स आप लोगों अगर पिक करते हैं तो आप लोग आसानी से रैंक कर सकते हैं ये सब कीवर्ड पे, क्योंकि ये सब कीवर्ड आपका यहाँ पे कोई जल्दी वर्क नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से रैंक कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा ऐसा कीवर्ड पर वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं नेक्स्ट कीवर्ड बताने वाला हूँ जो कि CMS CAC AP। इसके बारे में आपको लिखना है, अगर नहीं नॉलेज है तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, उसके बाद वर्क कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 20 के सर्च वॉल्यूम है, 12 के क्लिक है, CPC देख सकते हैं यहाँ पे $3 का CPC आपको मिल रही है इस कीवर्ड पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बैकलिंक बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 0 बैकलिंक वाला भी रैंक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, सिर्फ एक ही वेबसाइट यहाँ पे रैंक है, तो आप लोग यहाँ पे बीट कर सकते हो आराम से। ऑफिशियल वेबसाइट रैंक है, लेकिन फिर भी आप लोग बीट कर सकते हो इस कीवर्ड को, अगर थोड़ा बहुत SEO आती है तो। तो आप लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं ये सब कीवर्ड पर। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर ऑफर है, आप लोग वर्क कीजिए ऐसे ऐसा कीवर्ड पर। फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा ये सब कीवर्ड पे, अगर वर्क करते हैं आप लोग तो। और ये सब पे कीवर्ड पे रिजल्ट मिलने में बहुत ही कम समय मिलता है, एक से डेढ़ महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, वह है यह टेक वेबसाइट के लिए है, वो यहाँ पे होस्टगेटर इंडिया, यानी कि होस्टगेटर जो है एक शॉपिंग यहाँ पे यहाँ पे होस्टिंग कंपनी है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग अगर वेबसाइट ब्लॉग चला रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एक होस्टिंग जो बाय करते हैं, वहाँ पे होस्टगेटर इंडिया जो है कि आपको लिखना है, इनका रिव्यू लिखना है और इनका रिव्यू लिखने को रैंक कराना है, क्योंकि
थोड़ा इजी है रैंक करना होस्ट गटर इंडिया पे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कम सीपीसी मिलेगा, लेकिन इस पे आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप लोग होस्टिंग ख़रीदना है तो आप नीचे दिया हुआ लिंक है वहाँ पे, वहाँ से ख़रीद सकते हो होस्ट गटर से, आप लोग वहाँ पे आप लोग ख़रीद सकते हो आराम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और कम रेट में मिल जाएगी। होस्ट गटर इंडिया का एक बहुत ही अच्छा सर्विस रहता है, क्योंकि इनका सर्वर बहुत ही अच्छा है, और मेरा जो जितना भी वेबसाइट है होस्ट गेटर पे ही होस्ट है। तो आप लोग यहाँ पे रैंक, यहाँ पे इस पे वर्क करके एफिलिएट यूज़ कर सकते हैं, एडसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब वेबसाइटें रैंक है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब वेबसाइटें यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 29 DR वाले भी रैंक है। तो आप लोग भी रैंक कर सकते हो यहाँ पे, बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हो होस्ट गेटर इंडिया पे। तो आज का हमारा मेन कीवर्ड उतना ही था दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा SEO फ्रेंडली जो आपको लिखना है, वो आपको थोड़ा बहुत SEO के ध्यान देना है और इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखिएगा तभी रैंक कर पाइएगा। आप होस्ट गेटर इंडिया हिंदी में लिखिएगा तो कोई सर्च नहीं करता है। तो आप लोग हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखना है, तभी आप लोगों को वहाँ पर पोटेंशियल है कुछ। और इस ये सब कीवर्ड को लिखने के बाद दोस्तों आपको फाइनली आराम से थोड़ा बहुत बैकलिंक बनाना है, उसके बाद वेट करना है एक दो महीना का, और रेगुलर अपडेट करते रहना है 1 वीक 2 वीक में। और उसके बाद आप लोग अपना देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका जो है वेबसाइट कहाँ पे रहती है और कहाँ से कहाँ चली जाती है, मतलब है कि रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल सकता है अगर मैं जो कीवर्ड बताता हूँ वो सब पे वर्क कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप किसी भी तरह के वेब डेवलपिंग SEO वगैरह करवाना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।